Namaste everyone, a very good morning each and everyone, and namaste from Diksha, namaste from IncubeSense, and namaste from Bharat to everyone who are listening right now. First of all, thank you so much for coming. It's really a very tough time for all of us to understand the sanitization, understand the hygiene, where we are going forward. Hame corona se darne ki bilkul bhi zarurat nahi hai. क्योंकि ये वायरस तब तक हमें इफेक्ट नहीं कर सकता जब तक हम ठान ले अपने मन में कि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं. हम सुरक्षित रहेंगे और क्या क्या चीजें हमें अपनानी है अपने लाइफस्टाइल में, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि कोरोना ने जात धर्म कोई चीज नहीं देखा. उन्होंने बस यही देखा कि ह्यूमैनिटी पे कैसे आघात किया जाए, हमें कैसे बर्बाद किया जाए, राइट? बट कोरोना के लिए हम लोग सक्षम है, उससे लड़ाई में हम लोग बिल्कुल सक्षम है. कैसे कैसे सक्षम है वो मैं आपको बताऊंगी इस पूरे सीरीज में कि हमें क्या क्या चीजें अपनानी है और स्ट्रिक्टली उसका पालन करना है. अगर हम कभी भी कोई चीज स्ट्रिक्टली पालन नहीं करें, चाहे वो हमारा व्यवसाय हो, बिजनेस हो, हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो, हमारे स्कूल कॉलेजेस में कोई भी सेशन हो, राइट, तो हम वो नहीं कर पाते. इसलिए हमें सभी चीजों में, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, हमें एक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है. दैट मीन्स अगर हम डिसिप्लिन का पालन करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे. इसी इसी के तहत हम आज का एजेंडा यही है कि हम कैसे कोरोना को हराएं, और एचआर का पूरा दायित्व बनता है कि वो एक महानायक की ड्यूटी निभाएं और अपने लोगों को उस लेवल पे लाएं. बिकॉज इट्स इजी कि अगर हम देख देख के सीख जाए, बट ये हमारा मूल कर्तव्य, मूल धर्म है कि हम लोगों को सशक्त बनाए, जागरूक बनाए इस अभियान से कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें. और कोरोना कुछ भी नहीं है. अगर आप, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग जानते हैं ये चीज कि जब कोई डर सामने आता है तो हम अपने आप को बड़ा दिखाते हैं ताकि डर से जीत जाए, राइट? तो कोरोना वायरस से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. हमें अपने आप को वो बड़ा एक शक्तिमान टाइप्स बनाना है, जिससे हमें कुछ चीजें अपनानी है जो मैं इस पूरे आपको इस प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत करूंगी आप लोगों के सामने कि वॉट ऑल काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ सो दैट हम कोरोना वायरस को सब जड़ से हटा सके. मैं दीक्षा देव आपका स्वागत करती हूँ. मैं फाउंडर सीईओ इनक्यूबसेंस, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस सीरीज में, और हम लोग मिलके इस चीज का सामना कर सकते हैं. तो पहली बात, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बीमारी तो है ही है, बट एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसका, जब किसी बीमारी का मेडिसिन नहीं होता है तो उसका सिंपल मेडिसिन है आप खुद, आपका दृढ़ निश्चय, आपका दृढ़ विश्वास, वो आपका मेडिसिन है. तो यहाँ पे हमें सब, हमें नॉलेज है, बट हमें आगे भी नॉलेज लोगों को देनी है, करेक्ट? सेशन का यही मुद्दा है कि कोरोना वायरस एचआर रिस्पांस प्लान क्या है, और एचआर लोगों की और सभी लोगों की मानव ड्यूटी होती है ये बताना कि हम हम लोग, we all have this responsibility to move forward in a direction where we take responsibility as our core value, correct? अब मैं आप लोगों को बताती हूँ. Now I would love to tell you how we will do it. Starting with this presentation, I would like to thank you, each one of you. आपका your time will be fruitful enough. And your time will be really important for me. Your presence is really important. So thank you so much. Let's get started. First of all, you must be knowing that offices are hotbeds for spread of viruses and bacteria. And not only coronavirus, I'm pretty sure after Spanish flu, this happened again after so many years, after a decade, after two decades, right? It will be in future, after maybe 2040 or 2050, it will be happening again. It will happen again. So to stop that, offices are very crucial. The AC ducts are very crucial place, right? In the offices and the workstation, there are a lot of places where people go and touch, right? Say, for example, your monitor, your keyboard, the screens of monitor, the mouse, the daily use of your microphones, your phones, right? Each and everything is very crucial for
for a person to get infected. Hence the reason it is important for all of us to understand, as we know that lockdown has increased in few parts of the country like Delhi and Mumbai, but we need to be very, very particular and crucial about what to do and what not to do. In offices, when people will return back and do the activity they are doing before, we need to make sure what consideration we should take and what we should avoid. First of all, we should avoid close contacts. Like we know colleagues in public transportation, definitely not everybody has a car. Probably if they have a car, they try to go with public transport to avoid pollution, to avoid a lot of other stuff. But are we really equipped enough to go with public transportation? That is a massive question we need to ask from us, from ourselves. Because in a normal bus or a metro or any transportation we talk about, auto, rickshaw, bus, or probably a Ola, Uber, taxi, correct? Or even a metro. We also aware that these public transportations are not at all safe. Now what? That's a big question. Here, we need to empower our employees, our colleagues, our own humanity by taking precautionary steps, like always have hand sanitizers with you, plus always have mask. Put your mask, cover your nose and mouth very carefully, and always sanitize your hands very frequently after touching any object. In fact, after touching any object, also after touching your mask. So open and close your mask in such a way that it will not affect you, your own self. And avoid touching any public transportation. It is very hard not to touch it. Hence the reason, after touching, immediately sanitize your hands very effectively. So this way we can, and of course, please maintain the distance. I understand it is very hard to do it because, it's easy to say, but it's very hard to maintain the distance, like 3 meter, 5 meter distance is very hard in any public transportation. But if you try to do it, I'm sure it is possible. It is possible with the help of each and everybody's perseverance. It is possible agar hum log thaan le man mein ki hume corona ko harana hai, ye possible hai. In fact, distance say definitely yes, agar aap mask lete hain, if you carry mask on your face, it will not spread like massive spread. If you sneeze, if a person is having, if a person is sick, ask that person to take a leave. Don't rely on, somebody else to say it. Pehle aap khud kijiye and then ask somebody else to do the same. Likewise, when we, when we fly and when we take a lot of precautionary steps, right, we always suggest, the crew member always suggests that help yourself first and then help your nearby people, right? Similarly, if you see someone who is sneezing, someone who is touching their face, or someone who is not taking care of proper sanitization steps, tell that person that these are the steps, educate that person. Rather than being very arrogant and aap us pe gussa karne ke bajaye usko samjhaiye bade pyar se with a lot of patience. Understand, make that person understand, okay, these are the steps, how you can make yourself aware, plus how you can save your life and your near and dear one's life. So that is very important. So whenever you go out in public transportation or even in your car or scooter, try to understand that it's not your life, it's other lives are also important. Hence, always educate and make people aware. If you don't know someone, still, just keep a halt, tell them that this is wrong, this you do, this you should not do, right? And make them aware. With all the politeness, make that person aware of what that person should do and what that person should not do. Now going ahead, as we know, touches infected handles of metro. So infection coronavirus also be infected when you touch any infected surface of metro. Like I already spoke about, that this is very, very crucial step. Now, if you use your phone, that again, a plastic surface,
If you use your phone, that's again a surface, right? As we know that coronavirus or any virus, but coronavirus stay on the surface from 1 hour to many days. That's what researchers told about. But here, if you touch the surface of infected metro, and we really don't know because we cannot see coronavirus from our naked eyes. So it is very hard to predict which surface and which to touch and what not to touch. It's very hard to predict. Hence the reason, just to give a high level of security, sanitization, and you know, it's very important. So always keep a practice to sanitize your hand if you touch any of the infected or non-infected handles of metro or gates or anything else, right? Avoid touch first. If you touch, please sanitize immediately and do not touch any other belongings. आप बिल्कुल भी किसी और belongings को touch मत कीजिए. अगर आप किसी pillar को touch कर देते हैं, बिल्कुल बहुत जल्दी ही अपना हाथ को sanitize कर लीजिए. Please किसी भी infected surface को touch मत कीजिए और अपने सारे जरूरी सामान को, जैसे अपने फोन, अपना बैग बिल्कुल अलग रखिए. अपने फोन को तो बिल्कुल भी टच मत कीजिए. अवॉइड टचिंग योर फोन. इफ देयर इज एन इमरजेंसी, गो आउटसाइड द मेट्रो, स्टैंड देयर, टेक ऑल योर इमरजेंसी कॉल. व्हेन यू आर इनसाइड द मेट्रो प्लीज डू नॉट टच इन्फेक्टेड सर्फेस एंड योर फोन. अदरवाइज यू हैव टू सैनिटाइज योर हैंड्स एंड योर फोन लाइकवाइज. सो ये बहुत जरूरी है कि जब आप मेट्रो अंदर हो तो कृपया अपने फोन को अपने बैग के अंदर या पॉकेट के अंदर रख लें, और हाथ को अगर आप पिलर को टच करना भी है स्पीड के लिए तो आप टच करें. प्लस इमीडिएटली उतरते वक्त आप अपने हैंड को सैनिटाइज कर लें, और मुंह आपका कवर रहना चाहिए आपके मास्क से. प्लस अगर आपको कोई भी जरूरी कॉल करना है तो कृपया मेट्रो से उतर के या कृपया किसी चीज से उतर के एक शांत जगह पे जाकर कॉल कर लें, और वापस उसको सैनिटाइज करके अपने पॉकेट या अपने बैग में रख लें. प्लीज डू नॉट टच एनी सर्फेस इंक्लूडिंग योर मोबाइल विद द इन्फेक्टेड. अदरवाइज द मोबाइल विल ऑल्सो बी इन्फेक्टेड, द हैंड्स आर ऑल्सो इन्फेक्टेड, एंड इट विल इन्फेक्ट योर बैग वेयर एवर यू पुट दैट मोबाइल फोन. सो लेट्स नॉट मेक your own public space, your own private space infected. Let's avoid touching your phone, touching anything else. If you touch, please sanitize immediately. जैसे आप जानते हैं कि आपका कलीग मेट्रो में आता है कुछ टच करके इन्फेक्टेड सर्फेस, तो जैसे ही वो आपके ऑफिस में लैंड करे, आप प्लीज उनका हैंड, बैग या मोबाइल फोन सैनिटाइज करवाएं. So that is very, very important. The moment an employee is there in the office premises, please make sure that you sanitize employee phone, their bags, their hands. Very, very important. So that we need to take care of. Second, touches biometric system and infect the biometric system. It is very important. We also know that government agencies have already boycotted biometric system throughout the offices, but what the question is, kya hum ise wapas lenge? Are we taking it back? No, you should not and never. I'll tell you why you should not and never. The reason is, agar aap biometric ka prayog karte hain, again aapko registration ke liye HR need to register an employee using, okay, aap apna finger laga dijiye and I'm going to register it, and the employee will also put their finger every time to do it. Hence the reason, not only corona, but it is a transmitter for other viruses as well. Hence the reason, hum logo ko ye aware karna hai logo ko that never ever touch any surface, especially your attendance management or a biometric system. We should go for contactless mechanism devices. Moving ahead, because what happens if corona, this is a virus which we know corona, but most of the viruses be there on the biometric machines. तो आप टच करेंगे, आप कुछ और टच करेंगे, और वो कंटेंजेंसी आपकी फैल जाएगी थ्रू आउट द वर्क प्लेस, थ्रू आउट द ऑफिस, राइट? सो टू स्टॉप कंटेंजेंसी, टू स्टॉप द मैसिव इफेक्ट ऑफ एनी वायरस स्प्रेड, वी नीड टू स्टॉप एंड इरेडिकेट बायोमेट्रिक सिस्टम इमीडिएटली फ्रॉम ऑल द वर्क प्लेस. मूविंग अहेड, टचेस डोर नॉब्स एंड इन्फेक्ट द नॉब्स. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप इफ यू टच एनी ऑफ द डोर नॉब्स, वी नीड टू अवेयर एम्प्लॉयज, वी नीड टू अवेयर एवरीबडी. आप टच तो करते हैं, बट वॉट इफ कि अगर वो टच इन्फेक्टेड है, तो आप हर बार टच करेंगे, हर बार यू हैव टू सैनिटाइज योर हैंड्स. एंड वी नीड टू टेल आवर जेनिटर्स ऑल्सो दैट व्हेन एवर द नॉब्स इज देयर, यू हैव टू सैनिटाइज नाउ एंड देन. बट इट इज हार्ड, हेंस द रीजन वी नीड टू इवेंजलाइज, वी नीड टू बी अवेयर इनफ कि फर्स्ट अवॉइड टचिंग विथ योर हैंड्स,
With your elbow or with your legs, you can do that. But if it is very crucial and if it is a very different kind of architecture gate, then you need to use hands. At that point of time, please sanitize immediately. Moving ahead, touch his coffee machine because this is very obvious. Every morning, every evening, and afternoon, everybody is so much into touching, getting a coffee, right? At that point of time, कॉफी मशीन हम लोग हमेशा टच करते हैं. वी टच कॉफी मशीन नाउ एंड देन. द नॉब्स, द कप, द प्लेट्स, द एवरीथिंग इज क्वाइट प्रोन टू वायरसेस. हैंस द रीजन वी हैव टू इक्विप आवर सेल्फ सो मच दैट यूज टिश्यू पेपर, यूज समथिंग एल्स टू प्रेस द नॉब. नेवर एवर टच द नॉब विथ योर बेयर हैंड्स. इफ यू डू दैट, इमीडिएटली सैनिटाइज एंड पुट द सैनिटाइजर राइट अक्रॉस इन योर फ्यूल बार एंड नियर योर कॉफी मशीन. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Going forward, as we know, we all cook our food lunchtime, dinner time maybe, or maybe breakfast. So it is important to sanitize the the microwave knobs. If not, if you do this, please sanitize your hands immediately, else it is also I'm sorry, it is also a very crucial surface for coronavirus. I'm sorry. So that's also very important कि अगर आप माइक्रोवेव को टच करते हैं तो आप अपना हाथ इमीडिएटली धो लें या फिर सैनिटाइज कर लें. मूविंग अहेड, विद इन फ्यू आवर्स एंटायर ऑफिस इज इन्फेक्टेड. अगर हम लोगों ने ऑफिस में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग को पता है दैट इट इज क्रूशियल एंड इट मूव्स वायरसेस इनटू 1000x, उस स्पीड से वायरस इन्फेक्ट हो सकता है. लाइक योर वेंडिंग मशीन, योर coolers, your cafeterias, it is very prone and hotbed for coronaviruses. यहाँ पे आप जब भी वेंडिंग मशीन से कोई भी चीज ले, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सैनिटाइज करें. प्लस वेन एवर यू ओपन दैट थिंग, वेन एवर आप किसी भी चीज को ओपन कर रहे हैं, प्लीज आप उसे प्लेट या किसी उसमें लेकर ही खाएं और अपना हाथ पहले धो लें, या तो साबुन से धो लें या क्विकली सैनिटाइज कर लें. बिना ओपन करके उसी हाथ से प्लीज कुछ भी चीज खाएं मत खाइए, बिकॉज वो आपके जान के लिए प्रॉब्लम हो सकता है. वो वायरस सीधे आपके मुंह में चला जाएगा और फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच इज योर लंग्स. हेंस द रीजन वी नीड टू अवॉइड, वेन एवर वी गो टू अ कैफेटेरिया, वेन एवर वी आर हैविंग फूड, प्लीज गो टू कैफेटेरिया, डू द चेकआउट, डू द वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम अ वेंडिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, टेक आउट दैट फूड इन योर प्लेट और इन योर यूटेंसिल्स एंड देन वॉश योर हैंड्स एंड देन हैव दैट फूड. अदरवाइज इट विल वेरी क्रूशल फॉर योर हेल्थ. अगर आप किसी कैन या जार से लेते हैं तो मेक श्योर कि आप स्ट्रॉ जब आप पुट करते हैं इन साइड, लाइक हम लोग के बहुत सारे कैंस में होता है, फ्रूटी कैंस एंड अदर, अदरवाइज वी हैव दैट स्ट्रॉ. नेवर एवर टच द टिप ऑफ द स्ट्रॉ विथ योर बेयर हैंड्स. अवॉइड टचिंग द टिप ऑफ द स्ट्रॉ फ्रॉम द बेयर हैंड्स, अदरवाइज वो आप लिक्विड में ही पुट कर रहे हैं. तो अवॉइड कीजिए स्ट्रॉ से डालना, या तो आप उसे एक प्रॉपर कैन में, कैन से आप उसे प्रॉपर ग्लास में ले लीजिए एंड देन ड्रिंक. अवॉइड स्ट्रॉ बिकॉज स्ट्रॉ से आप गलती से भी टच कर लेंगे तो आपका सीधे आपके लिक्विड में चला जाएगा एंड देन इनसाइड योर बॉडी. सो अवॉइड टचिंग एंड अवॉइड ड्रिंकिंग फ्रॉम कैंस डायरेक्टली और यूजिंग स्ट्रॉ. प्लीज पुट इनसाइड अ ग्लास और सम यूटेंसिल्स विच इज इजी फॉर यू टू ड्रिंक इट. डू दैट एंड प्लीज हैंड को सैनिटाइज कर दीजिएगा बिफोर एंड आफ्टर. मूविंग अहेड, इफ एम्प्लॉयज सिक एट होम, स्टे एट होम. अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आते हैं, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, डू नॉट मेक अदर्स सिक. इफ यू इट इज आवर फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप खुद महसूस करते हैं मुझे छींक आ रही है, सर में थोड़ा सा भी दर्द है, तो वी हैव टू इवेंजलाइज आवर नियर एंड डियर वंस, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कलीग्स, एवरीबडी इन आवर वर्क प्लेस एंड ऑफकोर्स नियर बाय, दैट इफ यू आर सिक प्लीज स्टे एट होम एंड टेक प्रॉपर रेस्ट. अगर ज्यादा है, थोड़ी बहुत छींक आ रही है, थोड़ा सर दर्द है, वी कैन बी एट होम. प्लीज क्वारंटाइन दैट एम्प्लॉय इमीडिएटली एट होम एंड आस्क देम टू वर्क मे बी 4 hours अ डे रादर देन 8 hours अ डे. बी वेरी प्रोएक्टिव इन लिसनिंग टू दैट एम्प्लॉय एंड अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग देम फुल सपोर्ट रिमोटली. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. इफ योर एम्प्लॉय इज सिक एट होम, स्टे एट होम एंड वर्क फ्रॉम होम. एंड आपका फंडामेंटल ड्यूटी है उनको ये बताना कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से ही हम सारी चीजों का प्रॉपरली कर सकते हैं ऑपरेट, राइट. मूविंग अहेड,
If employee come to office, ask him to leave the office and work from home. The moment that employee is coming to office or employee ko lag raha hai ki main theek hoon, but kyunki wo theek nahi hai, there is a temperature high. So please, the moment that person is coming to your facility, check the temperature, check the necessary step. If a person is not looking really, healthy, आप प्लीज उसके लिए गाड़ी करवाइए, कैब करवाइए, उसको घर छोड़िए और उसको प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड कीजिए एज फार एज द हॉस्पिटैलिटी एंड द हेल्थ इज कंसर्न्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ वर्क प्लेस एंड बीइंग इन एचआर एट द ऑफिस. ऑफिस मूविंग अहेड, इफ सिक पोस्ट कमिंग टू ऑफिस, आस्क हिम टू गो बैक होम एंड वर्क फ्रॉम होम. अगर आपको ऐसा लगता है समवन इज टुक सिक लीव एंड प्लीज डू क्वारंटाइन इमीडिएटली ऑफ द पर्सन. आप उनको घर पे ही रहने की सलाह दीजिए, घर से ही काम करें थ्रू ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स दैट यू गाइस यूज एट योर ऑफिस प्लीज. एंड आई रियली रिक्वेस्ट, डू नॉट लेट दैट पर्सन कम इनसाइड योर ऑफिस एंड इट विल इंक्रीज. मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स से दैट आपका एसी वेंट से भी ये चीज हो सकता है, बिकॉज एसी वेंट एट होम इफ यू ऑपरेट एसी दैट इज नॉट अ रियली प्रॉब्लम, बट एट वर्क प्लेस द एसी डक्ट्स आर अ प्रॉब्लम. Hence the reason it is very important, if a person found sick, please do not allow that person at the workplace or in the office. Please help that person to evacuate the office immediately with the necessary right steps, with mask, with sanitization, with a toolkit or a chota sa likhit mein unhe de sakte hain do's and don'ts ka pamphlet or a brochure that this is something that you need, and stay home for a couple of days or maybe 8 to 14 days. This is very important. Help that person within the brochure or whatever the likhit material aap denge unhe, written material. Please do mention the helpline numbers of your office. Please do mention the helpline numbers of the nearby place where that person can go and check out. This is very important. Do not panic and talk your HR or talk your reporting manager immediately. Please do not panic. This is very important. Because panic hone ki bilkul zarurat nahi hai. Ye ek normal bukhar ya normal fever jaisa hi hai. Agar hame jaldi se pata chal ke hame isko roktham kar le, ye hamare health pe bilkul bhi asar nahi dalega. So please early symptoms ko samajhiye par panic nahi kijiye. Kabhi kabhi sardi aur zukam normal bhi hote hain jo aapko ghar mein bhi ho sakta hai, par zaruri nahi ki wo coronavirus hi ho. Hence the reason never panic. Ek bahut high fever aane pe aap logo ko alarm baj sakta hai jahan pe aap khud samajh sakte hai ki okay I'm sick and I need something to do. Go to your nearby office and talk to your HR that this is the scenario, and definitely nearby hospital and HR will help you out. And being an HR, you should be capable enough, or please apne andar daya bhav or ignorance rakhiye. Daya bhav rakhiye, ignorance bilkul mat rakhiye. Please ignore kariye aap aisi sari cheezon ko, but please apne employees ke prati, apne colleagues ke prati wo samvedanshil bhavna please apne andar rakhiye. Be very polite to your people, understand their problems, understand their challenge, and never be pushy to them. This is very important guys, to hame corona ko harana hai to hame apne logo ko jitane ke liye unke sath khada hona padega. Moving ahead, throw biometric attendance system immediately. Most of the people, 90% of the complete ecosystem is using touch, aapka fingerprint. Please avoid that. First, security ke liye bhi wo acha nahi hai, but kyunki aaj hum baat kar rahe coronavirus ki, to coronavirus failta hai aur koi bhi virus aapka biometric se failta hai. Jaise khana kha ke bahut sare colleagues aa jate hain, oily hands laga diya, kabhi koi aur cheez laga di, private part touch kiya laga diya, right? So all these things will create a lot of viruses and it will transmit to those people who are who become a host to the viruses, because these viruses are always planning for a host. Unko ek host delivery ki talash hoti hai. Coronavirus bed ke bahut khush hota hai, usse host ki talash hoti hai. Bhai mera host kahan hai, mere ko koi khana mile to main uske upar jaau aur host se wo spread ho. So this is the way of a coronavirus spread in your office. To biometric jahan sab log chhute hi hain use, to hame wo cheez kyu lena. Lot of government have already eradicated it, stopped it, but ye hum log ka mool dharma hai, this is our common responsibility to throw this biometric system out from our workplace. Then replace with, if we throw, what we should use, replace with contactless touchless non-human touch attendance mechanism. So this is very important ki aap log touchless mein jaye rather than touch mein jaye. To ye mera salah hoga aap logo se कि हम लोग जब वापस आए ऑफिस में काम करने, व्हेन वी गो बैक टू ऑफिस विद ऑल दस एंथुसियाज्म एंड कंपैशन, प्लीज
You should use contactless devices to touch, to not to touch your device and make the attendance happen. Especially not for the attendance only. You should go for contactless for your door mechanism, wherein which you have access card. अभी आप क्या यूज करते थे, आप थम लगाते हो और आपके लिए दरवाजा खुल जाता है, आप थम लगाते हो, आपका अटेंडेंस हो जाता है. हमें थम से दूर जाकर हमें कॉन्टैक्टलेस मैकेनिज्म में आगे बढ़ना होगा. सो प्लीज फॉर ऑल एचआर एंड फॉर ऑल पीपल गो फॉर अ कॉन्टैक्टलेस टचलेस डिवाइस. मूविंग अहेड, वी नीड टू एडुकेट एंड अवेयर एम्प्लॉयज ऑन हैंड हाइजीन. हम लोग बहुत बार लोगों को देखते होंगे और वॉशरूम से लोग हाथ भी धो के नहीं जाते. चलो वो जमाना गया, बट वी नीड टू एडुकेट देम नाउ दैट प्लीज डू इट फॉर 20 सेकेंड मैक्स. आप एक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाइए, आपका फेवरेट सॉन्ग गाइए, उसका अंतराल गा लीजिए, उसका फर्स्ट सॉन्ग गा लीजिए. ट्राई टू प्ले इट इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, व्हिच एवर सॉन्ग यू लव, बट प्लीज डू इट फॉर 20 सेकेंड्स. राइट हैंड को प्लीज धोइए, हाथ को जितना धो सकते हो उतना धोइए और सैनिटाइज कीजिए. वो बहुत बहुत जरूरी है. और दूसरे लोग अगर आपको दिखते हैं कि यार वॉशरूम में ये बंदा हाथ ही नहीं धो रहा है, प्लीज उसे इमीडिएटली डांटिए और उसे बोलिए कि धो, आपके लिए यूजफुल है और आपके आसपास लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल है. दिस इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी. सो नॉट ओनली यू वॉन्ट टू बिकम अ शक्तिमान, यू हैव टू मेक अदर पीपल अवेयर एंड इनेबल फॉर दिस केस. मूविंग अहेड, वॉश हैंड्स रेगुलरली एज आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक मेथड होता है जो आप न्यूज में और हर जगह देख सकते हैं, बट देर इज अ मेथड कि आपको अपने उंगलियों के अंदर, नाखूनों के अंदर जाके प्रॉपरली हैंड वॉश करना है, क्योंकि कोरोना आपके कोरोना में जो आप अगर कोरोना का आर्किटेक्चर पढ़ें तो उसमें बहुत स्टिकी सर्फेसेस होते हैं. वो आपके रोम कूप जिसे हम कहते हैं उसमें स्टिक हो जाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं. हेंस द रीजन वी हैव टू वॉश वेरी वेरी इफेक्टिवली आवर हैंड्स सो दैट स्टिकनेस साबुन से धुल जाए. सो दैट इज द केमिकल रिएक्शन. इट विल हैपन ऑन दी वायरसेस इन साइड योर हैंड्स. इट विल स्लिप ऑफ एंड इट विल स्लिप आउट द कोरोना वायरस और एनी वायरस फ्रॉम योर हैंड्स. हेंस द रीजन सोप इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन टच अ कॉमन सर्फेस एंड नो वॉशरूम नियर बाय सैनिटाइज हैंड्स. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप कोई भी कॉमन सर्फेस, एक वॉशरूम तो होता ही है कॉमन सर्फेस, बट आपका नॉर्मल फोन फोन बूथ या आपका फोन इज अ वेरी नॉर्मल ट्रांसमिटर और अ होस्ट का काम करता है. नॉट इवन अ ह्यूमन बॉडी, बट सर्फेस लाइक दीज ऑल्सो कैरी एंड एक्ट एज अ होस्ट ऑफ कोरोना वायरस. सो वी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू डू इट, इमीडिएटली वॉश योर हैंड्स विथ सोप और हैंड सैनिटाइजर्स. एल्स जेनेटर्स के लिए या एचआर या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप इसे भी सैनिटाइज करते रहें नाउ एंड देन. सो इट इज इम्पॉर्टेंट. मूविंग अहेड, हैंड सैनिटाइजर शुड बी प्लेस्ड ऑल कैफेटेरिया और कॉमन एरिया लाइक कैफेटेरिया फ्यूल बार नियर ऑल डोर नॉब्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डोर नॉब्स जहाँ आप कर रहे हैं वहां पे आप अपने सैनिटाइजर्स को प्लेस करें, और कैफेटेरिया और फ्यूल बार के पास तो स्पेशली 2 से 3 सैनिटाइजर्स प्लेस करें. देन एम्प्लॉय शुड यूज डिसइंफेक्टेड वाइप्स. जैसे आप हम लोग वापस आएंगे, वी कम बैक टू द वर्क प्लेस सिनेरियोस वेयर आवर लैपटॉप्स आवर कीबोर्ड्स एंड एवरीथिंग इज देयर. यू शुड रादर गिविंग देम लैनियर्ड्स और समथिंग. प्लीज इन्वेस्ट इन डिसइंफेक्टेंट वाइप्स वेयर इन व्हिच एवरी एम्प्लॉय शुड गेट एटलीस्ट 5 डिसइंफेक्टेंट वाइप्स एवरी डे. सो कीप अ डिसइंफेक्टेड वाइप्स एट द वर्क स्टेशन. एवरी वर्क स्टेशन अगर आप रखेंगे तो इट्स इजी फॉर एम्प्लॉयज टू पिक एंड क्लीन. सो दैट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग दैट यू शुड गिव देम now and then. So the conclusion for all these activities, first of all, hand hygiene procedures. It is very important for all of us to maintain a proper hand sanitizing activity. Haath dhoiye, kis tarah se dhona hai, it is important. Aap pura hatheli dhoiye, nakun ke andar saaf kijiye, puri ungliyon ke andar proper saaf kijiye, right? And if you're using disinfectant, which is your hand sanitizers, do the similar way, just like your hand soaps, right? This is important. So ye bahut bahut important hai. Aap now and then please kariye. When first it is important, aap ghar mein rahe to aap iska prayog agar 10 bar karte hain, par agar aap bahar hai to please 20 se 30 bar kare, which is important. Going ahead, for all HRs and for all colleagues, it is important to understand प्री एंड पोस्ट एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप अभी घर से सिर्फ कह रहे हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम करा रहे हैं बट यू आर नॉट एडुकेटिंग पीपल, आई एम सॉरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एडुकेट देम प्री एम्प्लॉय ट्रेनिंग बिफोर हिटिंग द वर्क प्लेस.
maybe 8 days, it is very important to deliver employee training to them. And post employee training, that means जब वो आपके लोग workspace पे आ जाए, workplace office में आ जाए, then a post employee training is also very important. So if we take care of all the education practices, हम लोग का कर्तव्य है कि हम attendance से ज़्यादा sanitation पे ध्यान दे right now. So please, please, I request all of you that make a proper procedure for pre employee training at home and post employee training at your workplace. This is important. If you need any help, if you need Diksha will deliver, if I can deliver and be a part of your muhim, be a part of your you know, going forward with pre and post training, I would love to take the stand that Diksha will do all these training free of cost for you guys. So just give me a thumbs up, just write to me, and I will be really glad to volunteer myself for all the requirement needs for you guys, for the humanity and for Mother Earth. And this is important for us to understand, work from home, if you're sick, even if you start sneezing, as I said, this is also a concluding part. This is important for all of us. Ki hum log apni daayitva samjhe aur hum HR ko notify karein with all ethics. That hey, I'm not feeling well, I need to work from home, and this these are the stuff. Please make sure HR, if you're in HR, please make sure that there is a special procedures to understand that kind of employee segment and their mental health, to put mental health, spiritual health in your trainings as well, because that is important. As you know, this is a tough time, so when you add the flavor of spiritual and mental health, it is important for an employee to recover from the you know, the possibility of the trauma. It is important for them to recover going forward. To conclude, go for touchless, contactless, door mechanism, access control, whisper control, and everything. Search only for these mechanisms. And never ever go for something which is you know, aapko touch hi karna pade, chahe aapka face recognition ho, still that really needs one time registration. Go for very easy system, go for very easy equipped system, that's up to you, but always go for a contactless devices or a contactless mechanism. Then stop the spread in your hands and my hands. This is important for us to understand ki aap na to apni raksha kar rahe, dusron ki bhi raksha kar rahe, hence the reason you have to protect yourself and become a warrior so that you protect other people and your near and dear ones. So to conclude, my friends, thank you so much. But again, I'm saying and I'm repeating these things. If you want Diksha Dev to become your voice, I would love to become your voice. Just write me at foundersoffice@theratingkipsons.com. We'd love to go and forward your office, your training to your employees. Free of cost, this is the thing that I want to contribute. Much more than money, I think this time is important for all of us to be together, to spread the word, to become the warriors of this Mother Earth. And हम लोगों को कोरोना को मिलके हराना है. इसलिए अगर आपको लगता है और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ये training sessions रखें pre and post, you can join me. I will do everything free of cost for you guys. I'm repeating, I will do for you, for humanity. So thank you so much for joining. I would love, if you have any questions, please write, and I ask my organizer to put this audio or text for you guys. So we have 8 minutes. If you have any questions, if you have anything for me to answer, if you want me to join this muhim and train your employees free of cost, I would love to do that. Over to you guys. Guys, we have few minutes. If you have any questions, you can text me or probably mail me, or there are options. Otherwise, see guys, this is important. हम लोग news में सुनते हैं कि आगे extend हो गया है, but हमें हार नहीं मानना है, and काम नहीं कभी रुकता. The show must go on. The work should go on.
The work should go on, the show must go on. Hence, I would love कि हम लोग अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े हों, जहाँ पे भी हैं वहाँ पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन करें और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझें, अपने माँ बाप को, अपने आसपास के नेबर्स को ये चीज़ बताएं कि क्या सही है क्या नहीं है, और अगर किसी को करता हुआ देखें कि कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए, उन्हें उसी समय रोक दिया जाए या उन्हें कंट्रीब्यूट किया जाए, या फिर आसपास में बहुत सारे आपके संस्था होते हैं हेल्पलाइन नंबर से, वहाँ की जानकारी उन्हें दी जाए या उनकी जानकारी उन हेल्पलाइन नंबर्स को दी जाए। सो ऐसे ही हम लोग अपने को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर दिस दिस वर्क। So thank you so much, people. I think we want to enable your audio. Let me see. All right, guys, so it's a permission thingy, but if you have any questions, please drop an email to founderoffice@incubesense.com, or you can type Diksha Dev on LinkedIn and you can get connected through any message. I would love to answer each one of the SMS and message throughout mail and LinkedIn. So it's easy for us to do a two-way communication. Next time, I'm also coming for another session, which could be greater help for the humanity again. So I'm coming again. I will be publishing about my post regarding the topic and regarding the time. I would love you also share to other people to come to this webinar and share the knowledge. I would love next time I'll prepare myself for more audio and other sessions. We also make some just for you guys. We have few minutes, hence the reason I would love to share that we created contactless and attendance devices, so you can check out incubesense.com website where you can check our solution completely made in Bharat for our Bharat people, right? That's also there. Plus face recognition, if you want to go for face recognition, always check for privacy and fundamental considerations, because for face it is not really secure and there are no what we say protocols yet available. And what we do different is, which is compatible throughout, we send signals through sound. So we send signal from machine through sound from a very, very huge distance, which might be very useful for you guys for attendance and sound. I think that can be something that you should check out, right? So this is the first time in world that we are doing everything from sound, the check-in, attendance, the door lock mechanism, every entire thing from sound. So you might can check out incubesense.com for these products. You can check our YouTube series. You can check YouTube and type incubesense. You can subscribe our channel where you get a lot of use case, what to do, what not to do with coronavirus and how you can protect yourself. So if you need more information, please do check out our website. Please do check out our products. Please do check out the YouTube. There are a lot of videos you might found useful for your own self, right? And recently we got covered by Money Control, Aaj Tak, CNBC, India Today, Your Story, The Quint, Yahoo, ETCIO, and Indian Express, which is not there because it is recently covered. So you can check them and read the articles about that as well. Also, Incubesense has one single goal to help humanity. So always spread the word. Diksha ka saans jab tak rahega, she will always work for the motherland, India. She always believe
In making the world a better place to live, she always believed creating technology which is easy to use, keeping the privacy and fundamental rights for our own people. So ye teen tatv Diksha ko banate hain aur unki unke moral ko aage badhane ke liye Indians aur Indians ko aage badhane ke liye unko prerit karte hain. So I would love ki aap ye cheez bhi aage apne community mein share kijiye, share the word. First of all, how to help people in order to help them to eradicate coronavirus from your here and there from your community. Aur apne andar thaan lijiye ki hum hi shaktiman hain. The moment you understand your own powers, understand your own you know, aap apne se jaan payenge apne aap ko, to aapko duniya ki koi cheez nahi hara sakti. And that is very very important for us to understand. Agar humne haar aaj maan liya तो हम हार कल भी मानेंगे और हमेशा मानेंगे. तो हमें हार नहीं मानना है दोस्तों, हमें आगे बढ़कर अपने आप को तो लड़ना ही है, अपने आप को तो संभालना ही है, अपने आसपास के लिए लड़ना है, अपने माँ बाप के लिए लड़ना है, अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ना है. बट ये चीज मालूम रखिएगा, लड़ता वही है जो स्वस्थ रहता है, लड़ता वही है जो अपने पैरों पर खड़ा रहता है. तो हमें अपने पैरों पर और स्वस्थ रहने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपनी जान पहले बचाएं और ये सारे नियमों का पालन करें और फिर अपने आसपास के लोगों की भी जान बचाएं और उनको भी प्रेरित करें कि नियमों का पालन करें. तो थैंक यू सो मच गाइस, इट्स लवली टू हेल्प टू गेट कनेक्टेड फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. स्प्रेड द वर्ड. जय हिंद, जय भारत.